सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं और उसमें ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। सभी को मेरा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ गूगल के एडसेंस पिन के बारे में, कि गूगल का एडसेंस पिन क्या होता है, किस प्रकार से हम इसको मंगा सकते हैं और कहाँ पर यह काम आता है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि YouTube की टर्म और कंडीशन के अनुसार जब हम 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लेते हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर लेते हैं, इसके बाद में हमें अपने चैनल को मोनिटाइज करना पड़ता है और एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है। तो जब हम एडसेंस अकाउंट बना लेते हैं, इसके बाद में गूगल और एडसेंस मिलकर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर विज्ञापन चलाना शुरू कर देते हैं। तो जब विज्ञापन चलाने से जब हमारी कमाई होती है, तो जब हमारे एडसेंस के खाते में $10 जमा हो जाते हैं, तो $10 जमा होने के बाद में गूगल एडसेंस हमसे आइडेंटिटी वेरीफाई करवाता है। जब हम अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कर देते हैं, तो इसके बाद में गूगल की तरफ से एक 6 अंकों का पिन अपने निर्धारित पते पे, जो पता हमने गूगल एडसेंस में डाला था उस पते पे, वो एक पिन भेजता है जिसको हम गूगल एडसेंस पिन के नाम से जानते हैं। जब ये पिन हमको मिल जाता है, तो हमें गूगल एडसेंस में इसको वेरीफाई करवाना पड़ता है और इसके बाद में फिर हमारा खाता वेरीफाई हो चुका होता है। अब इसके बाद में हमको पिन डिटेल उसमें जोड़नी रहती है। तो आज मैं आपको गूगल एडसेंस पिन के बारे में सारे जो मिथक होते हैं उनके बारे में बताऊंगा कि ये कब मिलता है, किस प्रकार से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि तो इस पिन के लिए मैं भी काफ़ी परेशान हुआ हूँ, ये मैं जानता हूँ कि किस प्रकार से मुझे मिला है। तो इस तरह से मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो नए यूट्यूबर्स हैं जो आगे आने वाली गलतियाँ इस प्रकार की ना करें। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि जब एडसेंस खाते में जब अपना आईडी आप बनाओ, तो उसमें पता जरूर बिल्कुल सही डालें जरूर, तभी जाके आपके पते पर सही से पहुँचेगा। तो अब दूसरी बात जो रहती है वो मेन ये है कि कितने दिनों में अपने घर पर आ जाता है। तो जनरली मुझे तो लगभग यार 16 दिन में मिल गया था। 8 फरवरी 2021 को मेरी आइडेंटिटी वेरीफाई हुई थी। और जैसे ही अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई होती है, इसके बाद में गूगल हमारे निर्धारित पते पे ऐसा एडसेंस पिन भेज देता है। तो इसके बाद में ये मुझे 8 फरवरी से लेके 24 फरवरी को मुझे मिल गया था। वीडियो ज़रूर थोड़ा लेट बना रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, मिल जाता आराम से, घबराने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपके पते पे मिल जाता है। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है, आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, तो फिर आप ये भी कर सकते हो कि अपना जो डाकिया है, संबंधित डाक विभाग का जो डाकिया है, उससे भी संपर्क में रहो कि कब तक आता है। तो इस तरह से आप पिन को रिसीव करके इसको वेरीफाई आसानी से करवा सकते हो। और इसी प्रकार के अगर और आपको YouTube से संबंधित हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मुझसे YouTube हेल्प के बारे में पूछ सकते हो किसी भी प्रकार की। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ मैं यहीं पर, और आप सभी का प्यार यूँ ही बना रहे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।